सही कहा है किसी ने कि चिंता और चिता में सिर्फ नाम मात्र का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को परेशान रखते हैं। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों आपको बिना वजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान था। उस किसान को बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, वो थी बेवजह चिंता करने की। वो हर समय किसी ना किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता, कहीं मेरे साथ ये गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी कुशल मंगल तरीके से चल रही थी। उसके पास गांव में एक बहुत बड़ा खेत था और दो बैल थे। उसके खेतों में गुजर बसर करने के लिए अच्छी खासी फसल भी हो जाती थी। उसका एक भला पूरा परिवार था, एक पत्नी थी, दो बच्चे थे और दो बैल थे। फिर भी वो कुछ ना कुछ सोचकर बिना वजह चिंता करता रहता। कभी सोचता रहता, मेरी फसल में अगर कीड़ा लग गया तो क्या होगा, अगर आजकल के आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर अचानक से सूखा पड़ जाता है तो क्या होगा। बेबुनियादी चिंताएं वो हर समय करता रहता था, हर समय सोचता रहता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि ये बिना वजह सोचते रहते हैं, इनको बिना वजह सोचने की गंदी आदत पड़ गई है। उसकी पत्नी ने कई बार कोशिश की कि तुम बेवजह चिंता क्यों करते रहते हो, फिर भी समझाने के बाद उसके ऊपर रत्ती भर का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पत्नी को कहीं से पता चला कि नगर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं जिनके पास सभी समस्याओं का हल है, वो सभी समस्याओं का सुन करके उनका अच्छे से हल बताते हैं। फिर वो कहीं से पता निकालती है और अपने पति के साथ उस महात्मा के पास जाती है। महात्मा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। उसकी पत्नी सारी समस्या उस महात्मा के समक्ष रखती है। फिर उसके पति ने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मैं बिना वजह चिंता करता रहता हूँ, जो चीज़ें आज तक मेरे साथ नहीं हुई हैं मैं उन सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें बार बार आती रहती हैं। दोनों की बातें महात्मा ने बड़े ध्यान से सुनी और कहा कि ठीक है, तुम कल सुबह मेरे पास आना, तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं मैं इन समस्याओं का उत्तर तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। अगले दिन दोनों पति पत्नी जैसे ही महात्मा के समक्ष पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि महात्मा बहुत बड़ी चिंता में बैठे हुए हैं, जमीन पर पालथी मारे बैठे हुए हैं। वे देखते हैं कि महात्मा के समक्ष एक दूध का भरा गिलास सामने रखा हुआ है। कभी महात्मा जी उस गिलास को उठाने के लिए अपने हाथ को सर पर रखते, कभी हाथ को अपनी गोदी में रखते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। उस औरत का पति कहता है कि महाराज, आपके समक्ष एक दूध का भरा गिलास रखा है और आप चिंता में बैठे हुए हैं, आप इस गिलास को पी क्यों नहीं लेते। तो महाराज उत्तर देते हैं कि मेरा अभी दूध पीने का कोई मन नहीं है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं दूध खराब ना हो जाए, कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी ले, कहीं इस दूध में कुछ गिर ना जाए, कहीं दूध बेकार ना हो जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा परेशान है, फिलहाल अभी मेरा दूध पीने का कोई भी मन नहीं। इतना सुनते ही किसान जोर जोर से हंसने लगता है कि महाराज, सिर्फ और सिर्फ दूध ही तो है, अगर ये खराब हो जाता है या इसको बिल्ली गिरा देती है या इसमें कुछ गिर जाता है, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं कि आपको दोबारा नहीं मिलेगी। किसान कहता है, महाराज अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं, और हो सकता है ऐसा भविष्य में ना भी हो, उससे पहले आपका मन कर जाए और आप इस सारे दूध को पी ले। तो महात्मा मुस्कुराए और बोले कि मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है जो अभी तक हमारे साथ घटी नहीं। हो सकता है जिन समस्याओं के बारे में तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे सामने ना आए, अगर आ भी जाती हैं तो उन समस्याओं से लड़ने की क्षमता भी तुम्हारे अंदर खुद ही जन्म लेती है। किसान को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। एक कहावत है कि तुम जो कर रहे हो सिर्फ उसी काम पे फोकस करो, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने पे ध्यान दो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाने पे ध्यान दो, अगर सोने का समय है तो सिर्फ सोने पे ध्यान दो, व्यर्थ की चिंता मत करो। सभी इंसान के दिमागों में कुछ आम विचार जरूर चल रहे होते हैं। पहला कि क्या मैं इस काम को और बेहतर कर सकता था, दूसरा क्या मैं ये काम और सही से कर सकता था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता कि क्या चिंता होती है, क्या परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने होश संभालता है तो उसके माँ बाप उसको बताते हैं कि बेटा तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है, तुम्हें होमवर्क करना है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। इसी तरीके की कई चीज़ें जो उसके आसपास के लोग उसको चिंता करने के लिए बोलते हैं और वो इन सारी चीज़ों को मान लेता है क्योंकि उसको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि किसी काम को करने के लिए उसकी चिंता करनी पड़ती है, ना समझी में ही वो काम को चिंता बना लेता है और धीरे धीरे ये चिंता उसके दिमाग पर हावी हो जाती है और समय के साथ वो अपने आप को बदल नहीं पाता और ये उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है। आप भी सोचिए कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे फालतू विचार तो नहीं है जो आपको बेबुनियादी चिंता करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप भी बेबुनियादी चिंता करते हैं तो आज ही इन गलत विचारों को छोड़ने का निर्णय कीजिए। इन सब चीजों से दूर जाने का एक आसान तरीका है ध्यान करना, और ध्यान करते समय अपने विचारों पर ध्यान देना।
आप कुछ समय बाद खुद देखेंगे कि जो आपके मन में गलत विचार आ रहे थे, जो आपके मन में बेबुनियादी परेशानियां थी, वो धीरे धीरे करके एक एक करके समाप्त हो जाएंगी और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।